डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं और सारे सेल्स में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने वाले जेनेटिक मटेरियल। सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के आधार पर सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में बांटा गया है। यू का मतलब ट्रू यानी सच्चा, प्रो का मतलब बिफोर यानी पहले, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं जेनेटिक मटेरियल, प्रो का मतलब बिफोर यानी पहले। तो प्रोकैरियोटिक्स में सारे पहले के यानी पुराने ऑर्गेनिजम्स आएंगे। धरती पर जीवन की शुरुआत इन्हीं से हुई और बाद में इन्हीं के इवोल्यूशन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने। प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फैले होंगे। जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से यानी झिल्ली से घिरी नहीं होगी, जिसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रोकैरियन, जीनोफोर या न्यूक्लियॉइड बोलेंगे। इनमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज आदि यानी मोनेरा किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होंगे, जिनमें इनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए सुरक्षित रहेगा। इसी को ट्रू न्यूक्लियस यानी सच्चा न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इनमें सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल के सेल आ जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में नेकेड या फॉल्स क्रोमोसोम होंगे, मेनली सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, जी सी रिच डीएनए होंगे, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे। वहीं यूकैरियोट में ट्रू क्रोमोसोम्स होंगे, इनमें डीएनए सर्कुलर ना होकर लंबे होंगे और इनका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होगा। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से घिरे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, वहीं यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से घिरे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी इत्यादि। ये हैप्लॉइड होंगे। यूकैरियोटिक हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S होंगे, यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होंगे। इसलिए ऐसा माना भी जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी प्रोकैरियोटिक सेल रहे होंगे, जो कि बाद में यूकैरियोटिक सेल में आकर रहने लगे, फिर इसी में रहने के लिए इवॉल्व हो गए। प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन यानी भोजन को तोड़कर एनर्जी निकालने में मेसोसोम मदद करता है। यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होता है।